अस्सलाम वालेकुम, आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप लोग सब कैसे हैं? इंशाल्लाह आप लोग भी खैरियत से होंगे। और आज सुबह से हो रही थी बारिश और मेरा गार्डन कुछ ऐसा हो रहा है, एकदम हरा भरा सा, बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। तो मैंने वीडियो बना ली और देखिए कितना हरा भरा सा हो गया है। और जितने भी पेड़ सब लगे हुए थे सब बड़े बड़े से हो गए हैं। तो काफ़ी दिन के बाद मैंने ये अपना गार्डन का वीडियो डाला है। इसके बाद में बनाऊंगी मैं सिवई, तो आप सबको दिखाऊंगी। तब तक मेरा गार्डन देख लीजिए। और सुबह से बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा है। इसके बाद में हम आ जाते हैं किचन में। ये मैंने बनाई थी सिवई, तो सोचा उसकी वीडियो डाल दें। और ये देख लीजिए, ये बन रही है मेरी किमामी सिवई। इसको आप किमामी भी सिवई कह सकते हैं या और जैसे भी खाते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, मगर हमारे यहाँ इसे किमामी सिवई ही हम इसको कहते हैं। तो ये मैंने खोए को भून लिया था, खोया था मेरा आधा किलो, और ये सिवई है आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसमें मैं चीनी डालूंगी, वो भी बराबर की ही डालूंगी। तो ये खोया मेरा भुन चुका था, तो मैं इसको निकाल लूंगी और मैं इसी बर्तन में ही सिवई को बनाऊंगी। क्योंकि सिवई हो या फिर मीठा चावल, तो आप बड़े बर्तन में ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये सिवई मैं बनाऊंगी दूध में, पानी में भी आप बना सकते हैं, पर मैं दूध ही में बनाती हूँ इसको। तो ये भगोना मेरा गरम हो गया था और मैंने इसमें डाल दी थी घी, देसी घी में ही आप बनाएं सिवई। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला हुआ है, थोड़ा सा ही घी डाला है। और मैंने दो लौंग और दो इलायची मैंने डाल दी थी, आप कुटी हुई इलायची भी डाल सकते हैं छोटी वाली। तो हम इसमें डाल देंगे दूध, और दूध आपका अच्छा वाला होना चाहिए, प्योर वाला दूध होना चाहिए, पतला दूध नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब अच्छा दूध होगा तो भी उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो दूध मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने दूसरा वाला भी डाल दिया इसमें, और मलाई भी डाल दी दूसरे वाले दूध की। तो मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें, मगर ये वाली जो सिवई मैं बना रही हूँ तो इसमें कम मीठा अगर होगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसमें बराबर ही डालूँगी चीनी, और बराबर से भी थोड़ी सी मुझे ज़्यादा ही लग रही है कि थोड़ी सी ज़्यादा ही चीनी है। और ये मैंने बनाया था दही बड़े, तो ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया है दही बड़ा। और आप लोग भी खाएँ, आकर जिसको खाना हो खा लें। तो दूध और चीनी को हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें इसको एक तार या दो तार की चाशनी बनानी है, और हम इसे चाशनी नहीं बनाएंगे, बस ये अच्छी तरीके से पक जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे सिवई। तो चीनी दूध आपस में मिक्स हो चुके हैं, पक चुके हैं, तो हम इसमें डाल देंगे सिवई। और आप लोग मेरे तरीके से बनाए, देखिए आपकी सिवई बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत लोग क्या करते हैं, वो पानी की पोटली, पानी में जो है पानी को बॉयल करके पोटली बनाकर सिवई को डिप करते हैं, पर इसको आप बनाकर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी आपकी सिवई बनेगी। और बिल्कुल भी टाइट नहीं रहेगी, ना ही मुलायम रहेगी, एकदम बहुत परफेक्ट बनेगी ये सिवई। और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आती है। और ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जो आपको पसंद हो वो डालें। तो मैंने खोया अभी नहीं डाला है, उसको मैं बाद में डालूँगी जब ये सिवई थोड़ी सी पक जाएगी तब।
तो ये खोया मैंने डाल दिया है और मैं इसमें आधा ही खोया डालूंगी, आधा बाद में डालूंगी। आप पानी में भी ये वाली सेवई बनाएं तो ऐसे ही बनाएं, इसी तरीके से बनाएं तो भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला था, ये सिवई तैयार हो चुकी है। इसे मैं 2 मिनट के लिए और ढकूंगी। तो 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला था तो सिवई हमारी कुछ इस तरीके से हो गई है, और जो बचा हुआ खोया था उसको भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो ये सिवई हमारी बनकर तैयार है। आप मेरे तरीके से बनाएं और आपकी सिवई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये हमारी बनकर रेडी हो गई है सिवई। आप लोग भी ट्राई करें और अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।